नमस्कार। ध्यान के इस सत्र में आज हम गणेश ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रख दीजिए। स्वाभाविक सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। मन को स्वयं के शरीर के मूलाधार के स्थान पर एकाग्र करें। और मूलाधार के स्थान पर लाल रंग और केसरी रंग को एक दूसरे में मिश्रित होते हुए देखें। कुछ समय इन रंगों पर ध्यान लगाएं। यह रंग श्री गणेश जी का रंग है। मूलाधार के स्थान पर गणेश जी नित्य स्थित रहते हैं। मूलाधार के स्थान पर लाल और केसरी रंग मिश्रित गणेश जी का अवधान लगाए। कुछ समय के पश्चात लाल केसरी रंग की प्रकाशित ऊर्जा मूलाधार के स्थान पर उद्भव होती हुई अनुभव होने लगेंगे। अनुभव करें कि यह लाल केसरी रंग से प्रकाशित ऊर्जा मूलाधार से ऊर्ध्वगति करते हुए मेरुदंड पर ऊपर उठते हुए सहस्त्रार तक गति कर रही है। यह लाल केसरी रंग की ऊर्जा अब समस्त शरीर में व्याप्त हो रही है। मस्तक से लेकर पैरों तक लाल केसरी रंग की ऊर्जा विस्तारित हो रही है। अब भूमध्य यानी तीसरे नेत्र के स्थान पर ध्यान दें। कुछ देर वहीं तीसरे नेत्र के स्थान पर अवधान लगाएं। अब गणेश जी का प्रिय मंत्र उच्चारित करेंगे। ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम ओम गम स्थूल शरीर शांत होने पर सूक्ष्म शरीर कार्यशील होने लगता है। कुछ समय इस मंत्रोच्चार में लीन हो जाए। मंत्रोच्चार के दौरान ऊर्जा के कंपन उद्भव होने लगते हैं। अब गणेश जी को मानस पटल पर देखें।
गणेश जी के पूर्ण चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करें। गणेश जी के एक हाथ में फरसा है, उस फरसे को देखें और अब फरसे को प्रार्थना करें कि हमारे बुरे कर्मों को, अज्ञान को और कमजोरियों को यह गणेश जी का फरसा नष्ट करे। गणेश जी के दूसरे हाथ में डोर यानी रस्सी है, उस डोर पर ध्यान केंद्रित करें। यह डोर यानी रस्सी हमें हमारे लक्ष्यों के साथ बांध कर रखती है, स्वयं के जीवन के लक्ष्यों को याद करें। गणेश जी के चरणों में स्वयं के उच्च लक्ष्यों को समर्पित करें। गणेश जी के तीसरे हाथ में ऊर्जा का निरंतर प्रवाह प्रवाहित होता है, आशीर्वाद देती हुई मुद्रा में अविरत ऊर्जा का प्रवाह गणेश जी हमारी ओर प्रवाहित करते हैं। उस ऊर्जा को अपने जीवन के लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए आवाहन करें। गणेश जी के चौथे हाथ में मोदक है, हमारी साधना का फल, हमारे कर्मों का फल। कर्मों के प्रति सजग रहे। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। वाणी, विचार, वर्तन, व्यवहार सभी स्तर पर स्वयं के कर्मों को जांचे। अब मूलाधार चक्र से सांस भरते हुए हर चक्र के स्थान से यात्रा करते हुए सहस्त्रार तक प्राणों को श्वास के माध्यम से गति दीजिए और एक क्षण रुक कर धीरे धीरे सहस्त्रार से प्राणों को छोड़ते हुए विश्राम करें। तीन बार यह प्रक्रिया को दोहराएं।
विश्राम करें। अपनी हथेलियों पर ध्यान केंद्रित करें। हथेलियों में ऊर्जा का अनुभव होने पर उस ऊर्जा को स्वयं के जीवन के लक्ष्यों को त्वरा से पूर्ण करने के लिए उद्दीपक बनने का आदेश दें। कुछ समय तक उस ऊर्जा को स्वयं के लक्ष्य पर प्रवाहित होने दें। स्वाभाविक सांसों पर ध्यान दें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अब आप चाहें तो अपनी आंखों को खोल सकते हैं।